बालाघाट की गढ़ी में किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ की बैठक 20 सितंबर को निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। बैठक में किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ को मजबूत किए जाने पर की चर्चा। ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी के नाम पर वसूली करने का आरोप। गढ़ी थाना प्रभारी को ट्रैक्टर ऑनर संघ ने दिया ज्ञापन। बिछिया के ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग। धार जिले के टांडा में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। ढोल नगाड़ों व भगवान कृष्ण के जय घोष से गूंज उठे मंदिर। रात 12 बजे विभिन्न मंदिरों में भगवान कृष्ण की महाआरती माखन मिश्री का लगाया भोग। विदिशा जिले के सिरोंज में अति वर्षा से फसल तबाह। सोयाबीन की फसल हाथों में लेकर तहसील परिसर पहुंचे किसान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के नेतृत्व में निकाली रैली। धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार अलका सिंह को दिया ज्ञापन। ज्ञापन देकर शीघ्र मांगों को पूरा करने की मांग। धार जिले के सरदारपुर में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। मंदिरों को फूलों व इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग से सजाया। सिद्ध विनायक गणेश मंदिर बस स्टैंड पर रखा भारत माता की आरती का आयोजन। कृष्ण जन्मोत्सव पर कई ऊंची मटकी तो कहीं पर अंधी मटकी फोड़। शाहपुर जिले के मोहन बड़ोदिया में मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। दाऊजी मंदिर को फूल मालाओं व लाइटिंग सजाया। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद हुई महाआरती। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को किया प्रसादी का वितरण। ग्वालियर जिले के भितरवार में कांग्रेस की पदयात्रा जारी। कांग्रेस की यलगार पदयात्रा का तीसरा दिन। भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली जा रही है यात्रा। ग्वालियर से भोपाल यलगार पदयात्रा निकाली जा रही। पदाधिकारी असलम शेर खान, अंसार खान, अरमान खान, मोनू भटनागर शामिल। विदिशा जिले के सिरोज में देखी कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। नवमी पर भगवान के दर्शनों को पहुंचे विधायक उमाकांत शर्मा। वालाचवेड़ी की प्रसादी का वितरण भी मंदिरों में हुआ। इस अवसर पर नगर के सनातन धर्म प्रेमी बंधु रहे शामिल। सोयाबीन के सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। शाहपुर कलेक्टर दिनेश जैन को मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के निर्देश में दिया ज्ञापन। किसानों ने सरकार से जल्द फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग। इंदौर में बाणगंगा पुलिस को मिली सफलता। चेन स्नेचर और नकबजनों की गैंग पकड़ी। सोने की चेन सहित 3 लाख का माल जब्त। गोविंद नगर खारचा एवं न्यू राजाबाग में की थी लूट। 3 शातिर बदमाशों से पूछताछ ड्यूटी पुलिस। हरदा में ट्रांसफॉर्मर से लटका मिला नाबालिग का शव। नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी। घटना के बाद मौके पर पहुंची छिपापड़ पुलिस। पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। छिपापड़ पुलिस थाने के गांव हसनपुरा की घटना।